हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंडियन ब्लॉगर विनी। और ये काफ़ी सुबह हो रहा है, मतलब 5 बज रहे हैं, और मैं जो है घर की सफाई कर रही हूँ। एक्चुअली मैं अपने रूम की सफाई कर रही हूँ जो कि सेकंड फ्लोर पे है। उसके बाद मैं किचन साफ़ करने के लिए जाऊँगी, क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना हाउस हेल्पर है, लेकिन उससे पहले हम लोग जो है ना बासी घर नहीं रखते। मतलब कोई भी काम सुबह जो शुरुआत होती है तो हम लोग जो है पहला झाड़ू जो है वो लग ही लेता है। तो ये काम करने के बाद मैं थोड़ा किचन की सफाई करने जाऊंगी, ताकि बाकी का सामान उसमें जो है वो बन सके, कुछ भी तो है। तो किचन तो रात में ही साफ़ हो जाती है, लेकिन थोड़ी सी आपको जो है वो सफाई करनी ही रहती है। थोड़ा सा पोछ लेना पड़ता है, मतलब फ्लोर तो पोछते ही हैं, साथ साथ जो है वो किचन भी, जैसे प्लेटफॉर्म वगैरह भी पोछ लेते हैं। क्योंकि रात में मतलब जो है रात में अगर मतलब कोई जैसे कॉकरोच है या फिर कुछ भी जो है प्लेटफॉर्म पे चलता है, मतलब अगर कुछ कीड़े हैं छोटे, तो चूहे वगैरह, तो उसके लिए भी हम लोग सफाई कर लेते हैं, पोछ लेते प्लेटफॉर्म फिर से। और ये क्लीनिंग हो चुकी है, और ये फाइनल लुक है मेरे ससुराल के किचन का। और मैं अभी आपको यहीं पे पाई जाऊंगी, मतलब किचन में ही ज़्यादातर रहती हूँ, तो इसलिए एक छोटा सा लुक आपको दी हूँ इसका। थोड़ा सा सुबह सुबह को अपना जो है ससुराल का किचन दिखाया, और थोड़ी सफाइयाँ चल रही हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि छठ जो है वो मतलब शुरुआत हो गई है, समझिए आज भाई दूज था, आज भाई दूज है, सॉरी भाई दूज है। तो भाई दूज की आप लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ सबको। आज तो जो है वो मैं ससुराल चली आई, और यहाँ जो है मैं चाय चढ़ाई हूँ सबको, भी चाय दूंगी सुबह सुबह। और ये नन्नू भी सो के उठ गई है, देखिए आ रही है नन्नू इधर से। हेलो करो नन्नू, हेलो करो, नो हेलो। तो फिर जो है वो चलिए काम शुरू करते हैं, और बातें कम जैसा बताया, और ब्लॉग पे बने रहें। फिर जो है अगर आप नए हो मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन बेल मिलती रहे। सब्सक्राइब कीजिएगा तो आप, तो फिर चलते हैं काम में लगते हैं। गाइज कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंडियन ब्लॉगर विनी। और ये जो है वो दूसरा दिन है मेरे ससुराल में। मॉर्निंग से तो आपने देखा ही है, आज मेरी नंद भी आई है सुबह सुबह, वो भी दिल्ली से ही आई हैं। तो आज से जो है फेस्टिवल शुरू हो गया है छठ का, तो हम लोग अभी नहा के आए हैं, और अभी जो है वो जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे या जो कुछ भी करेंगे वो मैं आपको बताऊँगी स्टेप बाई स्टेप। तो बने रहे चैनल में, बने रहे वीडियो पे अंत तक, और अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे, पसंद आए, तो लाइक तो एक बनता ही है, साथ में सब्सक्राइब भी करें। और मैं जो है अभी खाना बना के मैं भी ज्वाइन करूंगी अभी तुरंत, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ क्या हो रहा है। मैं आई हूँ अभी किचन में कुछ काम करने के लिए, दिखाती हूँ मैं क्या कर रही हूँ अभी। सबने ब्रेकफास्ट कर लिया है सुबह सुबह, तब यहाँ बैठ के जो है। निकू थोड़ा साउंड कम करो टीवी में। अनन्या, निकू, यू डोंट से हेलो, क्या चल रहा है? और ये है पीहू, हेलो करो पीहू, तुम नहीं बोलेगा हेलो? चलिए गाइस दिखाते हैं मैं किचन में क्या काम कर रही हूँ। और ये देखिए मेरे घर में आंगन में जो है वो कैसे लड़ियाँ जो है वो ऊपर से नीचे तक मनी प्लांट की जो है वो लड़ी आई हुई है पूरा। मैं बहुत जल्दी जो है आपको टूर कराऊंगी। ये मेरे किचन है मेरा, तो मैं ना यहीं पे आपको जो है पाई जाऊंगी, यहीं पर थोड़ा घूमते रहती हूँ, कुछ कुछ काम रहता है, बाकी सब चले जाते हैं, तो मैं यहाँ पे जो है वो कर लेती हूँ। तो छोटा सा है, आप देख रहे होंगे,
तो छोटा सा नहीं है, बहुत बड़ा है, ऊपर से नीचे तक है, तीन तल्ला है। तो वो मैं आपको दिखाऊंगी बहुत जल्दी, टूर दिखाऊंगी। पहले तो आपको छठ का जितना भी चीज हो रहा है ना, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आए, क्योंकि दिवाली का ब्लॉग बहुत पसंद आया था आप लोगों को। और उसमें मैंने नया करने की कोशिश की थी कि उसमें मैंने वॉइस ओवर बिल्कुल कम किया था, और सबने बताया कि आप आई कॉन्टेक्ट करो तो आप जो है वो अच्छा लगेगा। तो मैंने भी ये रियलाइज किया कि जो है वन डे में मुझे अच्छे व्यूज मिले थे, तो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। और कोशिश कर रही हूँ, मैंने पहले भी आपको बोला है कि मैं कोशिश कर रही हूँ, और उसका रिजल्ट जब आता है, मुझे पता चलता है, तो आई फील सो प्राउड और हैप्पी ऑल्सो। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं तुरंत नहा के आई हूँ और अभी मैं पूजा रूम जा रही हूँ, तो आपको भी साथ लेके चलूंगी। तो चलिए गाइस, खाना बन चुका है और मैं सोच रही हूँ क्या कि थोड़ा जो है वो देख लूँ वहाँ पूजा में क्या क्या हो रहा है, तो इसलिए मैं फिर से नहा के आई और कपड़े चेंज करके। यहाँ जितने बार भी आप काम करते हो, पूजा का सामान अगर आप छूना जाते हो या कुछ भी, तो आपको अपने कपड़े जो है वो चेंज करने होंगे और नहाना भी होगा। तो ये मेरा थर्ड टाइम जो है वो मैं नहा रही हूँ, तो फिर चलते हैं, देखते हैं कि पूजा रूम में हो क्या रहा है। वो पूजा रूम बिल्कुल खाली होगा, उसमें कुछ भी सामान नहीं रहता है, केवल जो है वो पूजा का ही सामान रहता है, वो पूरा घर खाली करा दिया जाता है, और जो भी पूजा का सामान आएगा उसी रूम में रहेगा। तो फिर चलिए आपको लेके चलते हैं। ओके गाइज, ये वो रूम है जहाँ पे जो है पूजा होने वाली है, छठ पूजा होने वाली है। तो यहाँ हम लोग जो है ना, वो कल जो बनने वाला है, तो वो चावल, दाल, चना जो भी होता है उसको जो है तोल के, मतलब वेट करके ही आपको जो है वो चुनना है, और चुनने के बाद मतलब सफाई करनी है। तो वही यहाँ मेरी माता जी कर रही हैं, मेरी मतलब सासू माँ कर रही हैं, और ये वही रूम है जिसमें वो पूजा होने वाला है, जो बिल्कुल खाली है। जो भी सामान था ना, इसका वो निकाल दिया जा चुका है। ये मेरा सबसे अपर फ्लोर है, मतलब ऊपर वाला भाग है, जो कि अभी नया बना हुआ है। तो ये नीचे वाले घर से थोड़ा चेंज आपको दिखेगा, क्योंकि नीचे वाला घर जो है ना वो पुराना है, लेकिन ये ऊपर में जो है वो नया बना हुआ है। तो ये देखिए, जो है वेट कर करके मेरी माँ जो है वो रख रही हैं, और फिर वो सारे चने जो हैं, हम लोग जैसे अभी चावल ये बीन रहे हैं धीरे धीरे करके, उसके बाद मतलब जो टूटा हुआ रहता है या फिर कोई काला चीज़ रहता तो उसको निकाल लेते। ये चनों को भी उसी तरह, अगर किसी कीड़े वगैरह ने खाया है या टूटा हुआ है, जो है वो उसे जो है वो चनों को जो है काले चनों को उसको पीस रही है, मतलब पूरा पाउडर नहीं करना है, थोड़ा दरदरा करके, क्योंकि इसी की कल जो है वो दाल बनेगी। तो ये फाइनल ये रहा दोस्तों, ये था आज का छोटा सा ब्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर कल एक नए ब्लॉग के साथ आप लोगों के साथ फिर से शामिल हो जाएंगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।